हमारी सुनो न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। पिछले एक साल के अंदर कई सारे काम किए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में जो काम पंजाब के अंदर हुआ है वो बहुत काबिले तारीफ है। पिछली सरकारों के टाइम पे इतना बुरा हाल था पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का, इतना बुरा हाल था। जब सरकार संभाली तो पता चला इतने गैंगस्टर्स चारों तरफ, इतने अपराधी थे चारों तरफ। पता चलता था ये वाला गैंगस्टर उस नेता का उस पे हाथ है, इस वाले गैंगस्टर का उस पार्टी का हाथ है, इसको नहीं पकड़ सकते, उसको नहीं पकड़ सकते। हमारा किसी के ऊपर हाथ नहीं था। एक एक करके सभी गैंगस्टर्स को एक एक करके सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। पंजाब के अंदर सुनते थे कितने सालों से बेअदबी का, इंसाफ नहीं मिल रहा था। सुनते थे कि बहुत बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं, चलान पेश नहीं किए जा रहे थे। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं था। सरकार आने के बाद जो SIT बनी थी उसकी, उस SIT को पूरा खुली छूट दी गई। और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने जितने बड़े नाम थे उन सारे नामों को डाल के और कोर्ट के अंदर चलान पेश कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है बिना किसी भय के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। सुनते थे कि एक SIT बनी थी, उसने नशे के खिलाफ जांच करके 4 लिफाफों के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। उसको 7 साल हो गए थे उन लिफाफों में बंद था कि पंजाब के अंदर नशा क्यों हो रहा है, कौन इसके अंदर है। इसकी सरकार आई, उन्होंने भी वो कोर्ट को कहा नहीं जी नहीं, ये लिफाफे नहीं खुलने चाहिए। उनकी सरकार आई, उन्होंने भी कहा नहीं जी नहीं, ये लिफाफे नहीं खुलने चाहिए। हमारी सरकार आई, हमने कोर्ट को कहा जी सारे लिफाफे खोल दो, हमारे को कोई डर नहीं है। और कल मुझे पता चला कि कोर्ट ने सारे लिफाफे खोल दिए। अब जितने लोग पंजाब के अंदर नशे के अंदर मास्टरमाइंड है, सबको एक एक करके पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा।